12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में। अगर BLDC को एक्सप्लेन करता हूँ, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी इस्तेमाल हुई है, जो जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक में BLDC मोटर इस्तेमाल हुई है, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर अली होठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होठी फिल्म्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक पे। इससे पहले मैंने जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक का मुकम्मल पोस्टमार्टम किया है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, आपको बताता हूँ कि मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं इलेक्ट्रिक बाइक पे कमेंट क्यों करने लगा हूँ। तो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में, और अगर वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मैंने इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पे काम किया है, मैंने बैटरीज पे काम किया है, तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और बैटरीज पे मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब बात करते हैं जैगवार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे। जैगवार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी की बात करूँ अगर, तो बैटरी इसमें लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी इस्तेमाल हुई है, जो कि ड्राई बैटरी की एक किस्म है। और इस बैटरी की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये बैटरी कॉस्टली है, मार्केट में तकरीबन अच्छी बैटरियों में से एक है और बैटरी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके प्लस पॉइंट्स की बात करता हूँ तो ये लाइट वेट है। लाइट वेट होने का फ़ायदा ये है कि जब बाइक पे इसको लगाएंगे तो बाइक पे एक्स्ट्रा वेट नहीं आएगा और मोटर पे लोड नहीं बढ़ेगा, बाइक अच्छी स्पीड देगी, बाइक अच्छी इकोनॉमी देगी, यानी कि माइलेज ज़्यादा देगी पर चार्ज, तो ये लाइट वेट है। लाइट वेट के बाद अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, इसकी जितनी भी लाइफ है सारी लाइफ आपको बिल्कुल कोई भी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। अगर इन बैटरीज़ की लाइफ की बात करता हूँ तो अगर तो अच्छी कंपनीज ने बैटरीज बनाई हैं तो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी की लाइफ वो 5000 साइकिल्स तक हो सकती है। 5000 साइकिल्स का मतलब 5000 दफ़ा ये चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है। तो अगर हम इसे एक दिन में एक बार चार्ज करें, रात को चार्ज करें, सारा दिन बाइक को यूज़ करें, तो ये 5000 दिन तक बैटरी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये 5000 दिन तकरीबन 10 सालों से भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो कंपनी रिकमेंड करती है जैगवार, वो 10 साल बैटरीज़ की लाइफ बता रही है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट जैसा मैं सोच रहा था वैसी बैटरीज नहीं बनाई, लेकिन फिर भी 10 साल इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपको बताऊं कि लिथियम आयरन फास्फेट बैटरीज़ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक में जो बैटरीज यूज़ हुई हैं उनकी लाइफ जो अगर जोल्टा से कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी होगी। इसकी मिनिमम लाइफ भी 5 साल तक हो सकती है। और अगर मज़ीद प्लस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये जो बैटरीज़ हैं इनमें लिथियम आयरन फास्फेट बैटरीज़ में लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी ज़ाया होती है चार्ज डिस्चार्ज में, वो बहुत कम होती है और बैटरी की कैपेसिटी हमें पूरी मिलती है। बैटरी की कैपेसिटी पूरी मिलने का मतलब है कि जितनी बैटरी की कैपेसिटी है उतनी हमें सर्किट में मिल जाती है। जो बाकी बैटरीज़ हैं उनमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं और जो बैटरी की एम्पेयर आवर कैपेसिटी होती है वो पूरी हमें मिलती नहीं है, पूरी डिलीवर नहीं कर पाती बैटरी। तो इस बैटरी की खासियत ये है कि अगर अच्छी बैटरी बनी है तो ये पूरी पावर हमें ट्रांसफ़र करती है, जितनी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी हमें आउटपुट पे मिल जाती है। उसके बाद इन बैटरीज़ की एफिशिएंसी मार्केट में तकरीबन तमाम बैटरी से ज़्यादा होती है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लॉसेस कम होते हैं। और इसके अलावा मोटरसाइकिल में इस्तेमाल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बैटरीज़ हाई करंट प्रोड्यूस करती हैं, कम टाइम में हाई करंट प्रोड्यूस करती हैं। और हाई करंट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हाई टॉर्क प्रोड्यूस करना, और मोटर जो है वो एक्सेलेटर ज़्यादा लेगी और बाइक की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, बाइक पे लोड ज़्यादा डाल सकते हैं, टार्क आपको ज़्यादा मिलेगा, इनके मोटरसाइकिल पावर ज़्यादा देगी इन बैटरीज के साथ। और इसके अलावा इन बैटरीज का जो एक और प्लस पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, वो ये है कि ये बैटरीज जल्दी चार्ज हो जाती हैं। इन बैटरीज़ का चार्ज होने का टाइम जो मार्केट में दूसरी बैटरीज हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है, ये 1 घंटे से लेके 5 घंटे तक चार्ज हो सकती हैं। तो बाकी अगर पिछली वीडियो मेरी आपने देखी है तो जोल्टा वाली बैटरीज तकरीबन रात सारी रात चार्ज होंगी, 10 घंटे में चार्ज वो फुली चार्ज होती हैं, उसकी निस्बत ये फास्ट चार्ज हैं, 1 घंटे से लेके 5 घंटे तक ये चार्ज हो सकती हैं। तो अगर सम अप करता हूँ तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, बैटरी लाइट वेट है, बैटरी की मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, और बैटरी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बैटरी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है बैटरी के। अगर ये बैटरी बाइक में यूज़ होगी तब बाइक की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जोल्टा से जैगवार का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है, जैगवार बहुत आगे है जोल्टा की निस्बत। तो अब अगर मोटर की बात करता हूँ तो जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक में BLDC मोटर इस्तेमाल हुई है। तो अगर BLDC को एक्सप्लेन करता हूँ तो ये ब्रशलेस DC मोटर है। ब्रशलेस DC मोटर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये मोटर क्यों इस्तेमाल की है जैगवार वालों ने और इस मोटर की खसूसियत क्या है। सबसे बड़ी खसूसियत इस मोटर की ये है
कि इस मोटर में भी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इसमें ब्रशेज़ नहीं होते इसलिए लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसमें स्पार्क पैदा नहीं होता जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और मोटर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। और इलेक्ट्रिक बाइक में हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, तो इस तरह BLDC मोटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसमें लॉसेज काफ़ी कम है। अगर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस मोटर का उसकी बात करता हूँ, तो इस मोटर में मल्टीपल स्पीड्स पर आपको हाई टॉर्क मिल जाता है, यानी कि स्पीड कंट्रोल इस मोटर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है और आपको हाई टॉर्क भी मिल जाता है। आपको पावर चाहिए बाइक पे, दो बंदे बैठे हैं, पावर की ज़रूरत है, चढ़ाई है, पावर की ज़रूरत है, तो ये मोटर आपको पावर प्रोवाइड करेगी। आपको स्पीड की ज़रूरत है तो ये मोटर आपको मल्टीपल स्पीड्स प्रोवाइड करेगी और हर स्पीड पे आपको पावर मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मल्टीपल स्पीड्स पे आपको पावर प्रोवाइड कर देगी ये मोटर, तो BLDC मोटर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो जैगवार का ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके अलावा मोटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे मोटर हीट अप होती है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, उसकी लोड लेने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो BLDC मोटर के मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कूलिंग का जो सिस्टम होता है वो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये मोटर खुद ब खुद कूल होती रहती है, ठंडी होती रहती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इसीलिए ये मोटर भी लॉन्ग लाइफ होती है। इस मोटर की लाइफ भी तकरीबन 10 साल हो सकती है, और वैसे भी जैगवार वाले आपको 5 साल की वारंटी दे रहे हैं मोटर की और बैटरीज की। तो अगर सम अप करता हूँ तो जैगवार मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाली मोटर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी लाइफ अच्छी है, उसमें लॉसेस कम है, उसका स्मूथ ऑपरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा पावर दे सकती है, मल्टीपल स्पीड्स आपको दे सकती है। और अगर प्राइस की बात करता हूँ तो ये मोटर्स भी कॉस्टली होती हैं, इसी वजह से जो जैगवार बाइक है उसकी प्राइस ज़्यादा है जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक की निस्बत। जोल्टा तकरीबन 1,00,000 में पड़ रही है, ये 1,50,000 में पड़ रही है, तो उसकी वजह इसमें अच्छी मोटर यूज़ हुई है, इसमें अच्छी बैटरीज यूज़ हुई हैं। बाकी मोटरसाइकिल सेम है, बाकी जो स्पेयर्स लगे होते हैं इंडिकेटर्स वगैरह हेडलाइट वगैरह वो सारे एक आम 70 मोटरसाइकिल जैसे हैं। तो बैटरीज की लाइफ अच्छी है और उसके साथ मोटर की लाइफ अच्छी है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि जोल्टा की निस्बत आप जैगवार ख़रीद लें, जैगवार जोल्टा की निस्बत बेहतर है।